सरायकेला अंचल के बालीगुमा स्थित रामकृष्ण फोर्जिंग लिमिटेड के प्लांट नंबर 5 में कार्य के दौरान एक मजदूर का दाहिना हाथ कटने पर उचित मुआवजे की मांग पर वार्ता विफल हो गई, जिसके बाद झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति ने कंपनी गेट जाम कर दिया। इधर कंपनी गेट जाम की सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाते हुए गेट जाम हटाया और एक बार फिर से वार्ता शुरू हुई। वार्ता में आरकेएफएल कंपनी ने महेंद्र सिंह मुंडा को कंपनी में स्थायी नौकरी व पत्नी को संविदा में नौकरी देने की बात कही, जिसके बाद कंपनी प्रबंधन द्वारा नियुक्ति पत्र दिया गया। जानकारी हो कि कुकलू प्रखंड अंतर्गत इचाड़ी पंचायत के बाकुरीकुड़ी निवासी महेंद्र सिंह मुंडा पिछले 4 वर्षों से रामकृष्ण फोर्जिंग लिमिटेड प्लांट नंबर 5 में जय एंटरप्राइजेस एजेंसी के अधीन कटिंग प्रेस के ऑपरेटर का काम कर रहा था। इस दौरान 3 जुलाई को काम के दौरान महेंद्र का दाहिना हाथ कट गया। बताया गया कि कंपनी ने उसका इलाज कराया पर किसी तरह का आर्थिक सहयोग नहीं दिया। पैसे की दिक्कत होने पर सहकर्मियों ने एक एक दिन का वेतन एकत्रित कर उसे सहयोग के रूप में दिया। वर्तमान हाथ के कट जाने से महेंद्र सिंह मुंडा काम करने लायक नहीं रह गया और बेरोजगार हो गया है। परिवार की भी हालत खराब हो गई है। इसकी जानकारी होने पर मुआवजा को लेकर झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति ने आवाज उठाया और कंपनी से मुआवजा की मांग की। सोमवार को पूर्व निर्धारित समय पर महेंद्र सिंह मुंडा एवं उसके परिवार को लेकर जेबीकेएसएस के कार्यकर्ता रामकृष्ण फोर्जिंग लिमिटेड प्लांट नंबर 5 के गेट पर गए। लंबे समय तक इंतजार के बाद कंपनी प्रबंधन के अधिकारियों ने उन्हें वार्ता के लिए बुलाया। जेबीकेएसएस के प्रेम मार्डी ने बताया कि वार्ता के दौरान कंपनी के अधिकारियों ने कहा महेंद्र सिंह मुंडा को नौकरी दी जाएगी, परंतु कंपनी की ओर से किसी तरह का मुआवजा नहीं मिलेगा। पदाधिकारी से हम लोग का वार्ता हुआ, वार्ता में ये बात बनी कि महेंद्र सिंह मुंडा जी को स्थायी नौकरी और उनके वाइफ को नौकरी और उनके बच्चा को स्कूल में फ्री पढ़ाई शिक्षा सुविधा दिया जाएगा और जो भी उनका अभी ट्रीटमेंट में खर्चा हुआ है वो खर्चा दिया जाएगा और आपका जो भी आज 5-6 महीना से जो सैलरी बंद था सैलरी भी पूरा इनको मिलेगा। जो भी ईएसआई का तरफ से इनको पॉलिसी जो एक रहता है उनको पेंशन दिया जाएगा, करीब 10-12 हज़ार मंथली का आपका पेंशन दिया जाएगा और 15 हज़ार अभी फिलहाल 15 हज़ार इनको मंथली मिलेगा जो कि इनको स्थायी नौकरी दिया गया वो आपका प्रत्येक साल उसमें बढ़ोतरी दिया है। मेरा पति को परमानेंट नौकरी दिया, मेरे को भी नौकरी दिया और मेरे बच्चा को बोला है कि पढ़ाई जी।